नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। परसुडी थाना अंतर्गत कीतड़ी में तालाब में तैरता शव मिला, पुलिस जांच में जुटी। उलीडी में आपसी विवाद में युवक ने चलाई गोली, त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। एमजीएम अस्पताल में लापरवाही का मामला आया प्रकाश में, इलाज के अभाव में मरीज ने तोड़ा दम। और बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का एसडीओ ने की समीक्षा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के परसुड़ी थाना अंतर्गत कीताडी मुई गुटू तालाब में युवक का तैरता शव देखने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान 35 वर्षीय छुटनू मंडल के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार एजीएल चर्च के पास रहने वाले 35 वर्षीय छुटनू मंडल विगत 3 दिनों से लापता थे। घर वालों ने युवक की काफी खोजबीन की पर युवक का कहीं पता नहीं चल पाया। आज सुबह अचानक मुई गुटू तालाब में एक युवक का तैरता हुआ शव स्थानीय लोगों ने देखा, जिसकी पहचान 3 दिनों से लापता 35 वर्षीय छुटनू मंडल के रूप में परिजनों ने की है। जानकारी देते हुए परिजन ने बताया कि पड़ोस की रहने वाली एक महिला के साथ मृतक का प्रेम प्रसंग चल रहा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस प्रेम प्रसंग के चलते ही छुटनू मंडल की हत्या कर तालाब में फेंक दिया गया है। उन्होंने कहा कि शरीर में चोट के निशान भी है जो साफ हत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक की हत्या हुई है या फिर आत्महत्या, इन दोनों बिंदुओं पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, पर कैमरे के सामने पुलिस ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। मिला निकला है, इसको पहचान रहे आप? हाँ जी, ये मेरा मामा है। 2-4 दिन से हम उसको खोज रहे थे, पूरा हर गली हर मोहल्ला खोजे, लेकिन वो मिला नहीं। और अभी मिला है तो पानी में डूबा हुआ मैगडू तालाब में ही उसका शव मिला है। तो किसी मतलब कैसा लग रहा है देखने से? क्या देखने से तो पता चल रहा है कि उसको मारा गया है, मारा पीटा गया है, गर्दन दबाया गया है, उसके बाद मार के पानी में फेंक दिया गया है। कहीं शरीर में निशान भी देखने को मिला? क्या शरीर में निशान है ना, उसको गले में निशान है, पीठ में हाथ में निशान है। अगर किसी ने अगर मारा है आप कह रहे हैं, तो किसने मारा है, ऐसा कुछ आपको शक है किसी के ऊपर? हाँ, अभी वो कुछ दिन पहले ही बाहर से आया है, इतना दिन वो बाहर ही में था। पहले यहाँ रहता था, पीता खाता जाता था, और एक लेडीज का था, उसका घूमना फिरना बातचीत था। वो और उसका पति में एंटी चल रहा था, उसका पति देख रहा था, देखता था, मतलब उसका बीवी को लेकर घूमता फिरता था। उलीडी हयातनगर स्थित किराना दुकान में आपसी विवाद में राशिद नामक युवक ने चलाई गोली, आरोपी गिरफ्तार, पिस्तल बरामद। उलीडी हयातनगर स्थित वसीम रज़ा के किराना दुकान में आपसी विवाद में राशिद नामक युवक ने गोली चला दी। हालांकि इस घटना में दुकानदार बाल बाल बच गया। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सोनू कुमार मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त पिस्तौल को पुलिस ने बरामद कर लिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वसीम रज़ा है। वसीम जी, क्या हुआ था मामला? तो कल आया था शाम में चिप्स लेने के लिए, तो पहले का भी पैसा कुछ बाकी था, तो हम बोले पहला पैसा दिया नहीं, तुम फिर मांग रहा है, तो बोला ना दे देगा ना। हम बोले कब देगा? तो बोला भूल गया, वो खत्म हो गया, अब नया दो। हम बोले बाबू पैसा लेकर आना तो सामान लेके जाना। तो बोलता है तुमको रहना बस्ती में कि नहीं रहना है? हम बोले नहीं रहना, इसका मतलब क्या है? बोला सामान दो नहीं तो गोली मार देंगे। हम बोले जा तुम गोली बंदूक लेकर के आना, उसके बाद मार देना। तो बोलता ठीक है तुम 10 मिनट रुको, हम आ रहे हैं। हम लोग यहीं काउंटर पर ही खड़ा रहेंगे। वो 10 मिनट के अंदर ही आया और लेके चमकाने लगा मेरे दुकान के पास। फिर हम बोले उसका घर वाले को खबर किए, घर वाला आया, लेट से आया। फिर हम अकबर को फ़ोन किए, तो अकबर आया, तब तक आया उसको समझाने ले गया, लेकिन जब तक अकबर हमारा साला है, तो जब वो ले के गए वहाँ तो समझाने, तब तक वो जो है उसका फादर भी आया, लेकिन तब तक वो गोली सीधा चला दिया। 3 आदमी था, तीनों बचे हैं, लेकिन एहसान मनाइए ऊपर वाला के, शुक्रगुजार हैं कि बाले बाल बच गए, नहीं तो फिर एक लॉस और गिरता है यहाँ। 9 बजे मुझे दूरभाष के माध्यम से सूचना मिला था कि हयात नगर संपोसाई रोड नंबर 5 में एक व्यक्ति पर गोली चली है। इस सूचना का सत्यापन हेतु मेरी टीम द्वारा तत्पश्चात वहां पहुंचा, तो जांच के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि बस्ती के ही रहने वाले मोहम्मद अकबर तथा उनके जीजा मोहम्मद वसीम रज़ा पर बस्ती के ही रहने वाले राशिद हुसैन द्वारा फायरिंग की गई है। तत्पश्चात मेरी टीमों द्वारा एक टीम का गठन करते हुए इस कांड में शामिल मोहम्मद राशिद को, हुसैन को गिरफ्तार करके
थाना लाया गया। उसके बाद इनके निशानदेही पर इस कांड में प्रयुक्त हथियार, खोखा तथा मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। एमजीएम हॉस्पिटल लगातार अपने कारनामों के चलते विवादों के घेरे में रहता है। आज फिर अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां इलाज के अभाव में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। 15 दिनों पहले शंभु धुलाई नाम के मरीज को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मरीज के पेट में पानी भर जाने की शिकायत बताई गई। परिजनों ने कई बार चिकित्सकों से मरीज के पेट से पानी निकालने का आग्रह किया, ताकि जल्द से जल्द मरीज स्वस्थ हो सके। इस संबंध में भाजपा नेता विमल बैठा ने बताया कि एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक से मुलाकात कर बेहतर इलाज का आग्रह किया था, बावजूद इसके मरीज के पेट से पानी नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से आज मरीज ने दम तोड़ दिया। मरीज की मृत्यु की जानकारी मिलते ही परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इसकी जानकारी भाजपा नेता विमल बैठा को दी। भाजपा नेता ने अस्पताल पहुंचकर सारी जानकारी हासिल करते हुए अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए और इसकी शिकायत वरीय पदाधिकारी से करने की बात कही। सुबह से पेशेंट डर पा रहा है, फिर जल्दी नहीं सुनवाई दे रहा है, डॉक्टर के पास जा रहे बार बार, तो बस बता हम लोग का पीछे पीछे मात रही है ना, आ रहे ना जा रहे ना, इसे करते करते हम लोग खेद रहा हूँ वहाँ से। बस डॉक्टर लोग को बार बार बोलो, देखिए कोई मेडिसिन देना है, क्या करना है, कुछ नहीं सुनवाई है, कुछ सुनवाई नहीं दे रहा एकदम। हम रोज होके भी बात किए तो कुछ नहीं सुनवाई दे रहा है। कब एडमिट करवाए थे? 15 दिन हो गया। 15 दिन लगभग नहीं जा रहा। तो आपका कहना क्या है कि 15 दिन से कोई इलाज नहीं हो रहा है? कोई इलाज नहीं है, जो भी दवाई पानी जो भी ट्रीटमेंट का दरकार मांग रहा है सब बाहर से मंगवा के दे रहे हैं। हर चीज को, कोई चीज का कमी नहीं होने दिया। हम लोग रात 2 बजे दवाई मांगे, रात 2 बजे खोज खाज के दवाई ला के दिए है। तो अभी कैसा कंडीशन है इनका? अब कंडीशन क्या है, पूरा ही तो खत्म करके छोड़ दिया कंडीशन। हम लोग सोचे थे भाई पानी थोड़ा सा भी निकाल देता तो हल्का होता, तो पेशेंट बच जाता। हम लोग का नहीं मरी था, जैसे देख किया हमने अधीक्षक को पूछा, सर क्या बताओ, बोले नहीं ऑपरेशन लाइन, तो फिर आपने क्यों नहीं भेजा? और जब ऑपरेशन, जब पानी निकालने या जब डॉक्टर, जब पेशेंट पूरा सीरियस था, कहाँ पर था कि मरने जा रहा है, आधा घंटा तक डॉक्टर का पैर पकड़ता है लड़का और बोलता है कि भाई मेरा पेशेंट को चल के देख लीजिए, डॉक्टर देखने नहीं गया। ये स्थिति है यहाँ का। आज आवेदन भी दिया गया है, ये आवेदन इनके बेटे ने दिया है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी है निरपक्ष जांच करके सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से देखा जाए कि डॉक्टर क्यों नहीं पहुँचे वहाँ पे, किसके यूनिट में थे, सारा चीज़ डिटेल्स में दिया हुआ है। और वैसे लोगों पर एकदम कड़ा कार्रवाई करना है, इस बार तो नहीं छोड़ेंगे। ये मजाक बन गया यहाँ पर, एकदम मजाक बन गया। आदमी का जान का वैल्यू नहीं है, आदमी का जान का वैल्यू नहीं है यहाँ पर। और बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी का एसडीओ ने की समीक्षा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी ने गोपाल मैदान में होने वाले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हर वर्ष बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इस वर्ष भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा गोपाल मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और कई कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित किए जाएंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इस तैयारी का जायजा धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा ने लिया। एनसीसी कैडेट, स्कॉट एंड गाइड के कैडेट, जिला पुलिस की महिला सुरक्षा जवान द्वारा स्वतंत्रता दिवस में किए जाने वाले परेड का भी निरीक्षण धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी ने जायजा लिया। टुकड़ियाँ काफी अच्छा ये लोग परेड कर रहे हैं, कुछ कुछ जो इम्प्रूवमेंट वाले एरियाज हैं उसको हम लोगों ने पॉइंट आउट करके बताया है कि यहाँ सर्जेंट मेजर हैं और जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको। इस परेड में 9 प्लाटून, जिसमें 1 प्लाटून जैप का, 2 जिला बल का पुरुष महिला, 1 होमगार्ड का, 2 NCC का गर्ल्स एंड बॉयज, 1 रेंजर्स टीम गर्ल्स का और 2 स्कॉट एंड गाइड गर्ल्स एंड बॉयज का, राष्ट्रगान टीम और बैंड पार्टी शामिल। इधर सोनारी में अंचल अमीन के द्वारा किया गया जमीन का सीमांकन, पुलिस रही मौजूद। बिल्डर ने कहा पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर कुछ लोग विरोध कर रहे थे। श्री हाउसिंग डेवलपर्स एवं श्री समृद्धि डेवलपर्स के पार्टनर मिलाकर मिश्रा ने कहा कि हमारे रहती जमीन से कुछ लोग रास्ता मांग रहे हैं, हम अपने रहती जमीन से रास्ता क्यों दे, वहीं जानबूझकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। आज सीओ के निर्देश पर अंचल अमीन के द्वारा पुलिस की मौजूदगी में सीमांकन किया गया है। वहीं हमने इस मामले को लेकर जिला के प्रशासन को भी अवगत करा चुके हैं। ये आज हम लोग के जमीन पर सीमांकन सीओ के कार्यालय के द्वारा सीमांकन अंचल अमीन के द्वारा किया गया है। जमीन हम लोग का सही पाया गया है
कुछ लोग के द्वारा झूठ मूठ का अवरोध पैदा किया जा रहा है, काम में रोज बाधा डाल दिया जा रहा है, काम करने नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम लोग का नक्शा विधि पूर्वक उस जमीन पर पास किया गया है, फिर भी हम लोग को काम नहीं करने दिया जा रहा है। साक्षी स्थित सीसीआई प्रांगण में एसएसपी प्रभात कुमार ने यातायात पुलिस पदाधिकारियों को चेकिंग के नाम पर आम लोगों को बेवजह परेशान नहीं करने का दिया हिदायत। साक्षी स्थित सीसीआई प्रांगण में एसएसपी प्रभात कुमार ने यातायात पुलिस पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया कि चेकिंग के नाम बेवजह आम लोगों को परेशान नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक में जो हमारे पदाधिकारी और पुलिस कर्मी जो लगे हुए हैं, कुछ दिनों से थोड़ी शिकायत आ रही थी, कुछ पब्लिक शिकायत कर रही थी कि उनको परेशानी होती है, कभी कभी जो बुज़ुर्ग जाते हैं, कोई बच्चे एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, कुछ लोग अस्पताल जा रहे हैं, उनको कभी शिकायत आ रही थी। तो उसी में हम सभी पुलिस पदाधिकारी और सभी कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि हमारा काम है फैसिलिटेट करना, ट्रैफिक का काम, जो ट्रैफिक की सबसे पहली प्राथमिकता है वो है ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना। फाइन कलेक्शन करने का कोई हमारा लक्ष्य और कोई हमारी कोई टारगेट नहीं है, मेन टारगेट है ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना और ट्रैफिक कैसे क्राइम प्रिवेंशन में हेल्प करे, उसके लिए इन लोगों को बताया गया है कि कोई बुज़ुर्ग है, कोई महिला है, उनको परेशान नहीं किया जाए, कोई जेन्युइनली अगर इमरजेंसी में है, कोई स्कूल जा रहा है एग्ज़ाम देने, कोई अस्पताल जा रहा है, उनको परेशान नहीं करे। और जो मेन है, जो सही में कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है रोड पे, कोई स्टंट कर रहा है, उसको पकड़ करके उसको उसके विरुद्ध सख्ती से सख्ती कार्रवाई करना हमारा काम है। वो करें, उसका नंबर नोट करें, उसमें प्रोसिक्यूशन अधिक से अधिक उसका फ़ाइन कराएं, कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के लिए भेजें। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग फ़ाइन से भी नहीं, कोर्ट में बात करके उसको सज़ा करा सकते हैं, 2 महीने 3 महीने की सज़ा भी हो सकती है, वो कराएँ। आजकल बहुत सारे लोग रील्स बनाने के लिए स्टंट करते हैं, वैसे लोगों को पकड़ें, ट्रैफिक कंजेशन नहीं होने दें। और अगर कोई चोरी का बाइक लेके चल रहा है, कोई अवैध हथियार के साथ चल रहा है, कोई नशीला पदार्थ बिक्री करने के लिए बाइक से चल रहा है, वो ऐसे लोगों को चेकिंग करके चेकिंग के दौरान पकड़े, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और जो सही में जेन्युइन आदमी है लेकिन किसी कारण से हेलमेट लेके नहीं चल रहा है, उसको रोक लीजिए, उसको बोलिए हेलमेट खरीद के लाइए, उसके बाद पहनिए और जाइए। मेन काम है कैसे लोगों की जान बचे, ना कि फाइन कलेक्ट करें, इसके लिए लोगों को दिशा निर्देश दिया गया। ओल्ड पुरुलिया रोड में बुलेट मोटरसाइकिल चोर को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा, किया सरेआम धुनाई, किया पुलिस के हवाले। ओल्ड पुरुलिया रोड में चोरी की बुलेट गाड़ी से जा रहा चोर राहुल दौलत को स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा और सरेआम जमकर पिटाई कर दी। बाद में चोर को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। बुलेट चोरी हुआ था परसों 11:30 बजे, 10 तारीख को 11:30। मेरा नाम संदीप कुमार शर्मा है, ये मेरा दोस्त का गाड़ी है, ये मेरे को दिया था रखने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो बाहर पड़ता है, हमको दिया रखने के लिए, और हम लोग इसको OLX पे भी डाले थे, ठीक है ना। तो ये OLX के माध्यम से मेरे को कांटेक्ट किया, ठीक है, कांटेक्ट किया ये लड़का, हाँ ये लड़का, अच्छा, और ये फर्जरी करने के लिए पहले मेरे साथ गाड़ी पहले मेरे साथ एक बार ये घूमा मेरे साथ, ठीक है, ट्रायल के लिए, ट्रायल के बाद में फिर ये बोला भैया हमको एक बार अकेले चलाने दीजिए, कंफर्टेबल फील होगा। हम बोले ठीक है लेके जाइए, लेकर गया गाड़ी ले गया, ट्रायल में लेके निकला था। कब भागा था लेके? परसों। कहाँ से भागा लेके? जवाहर नगर रोड नंबर 4 से। गाड़ी किसके नाम से बोला? गाड़ी मेरा नाम। आपे के नाम से है? कोई दोस्त दिया वहाँ बताए, दोस्त कोई दोस्त की गाड़ी है? नहीं पुलिस का, हाँ मेरे दोस्त का गाड़ी है, लेकिन पुलिस का सहयोग था, पुलिस जो है पूरा CCR वगैरह सब कुछ सपोर्ट किया। तो आजाद नगर पास जो मस्जिद के पास भी कैमरा है, वहाँ से जाँच हुआ कि गाड़ी इधर से लेकर भागा, फिर हनुमान मंदिर पास जो गर्ल बिल्डिंग है उससे लेकर के नीचे आया, फिर ये 14 नंबर तरफ से होते हुए इधर भाग रहा था। आज पकड़े इसको। हम लोग परसों से पूरा परेशान है, मतलब 10 तारीख को ट्राई करने को लेकर भागा है ना? ट्राई कर बुलेट मेरे ही बुलेट। कहाँ रहते हैं आप? जवान नगर रोड नंबर 4। सूचना मिली हम लोग को, सूचना मिला कि ओल्ड पुलिया रोड में चोर को पकड़ कर रखा है, हम लोग आ ही रहे थे इधर, जब तक हम लोग उसको पकड़े और थाना को पुष्टि की, थाना आया अपना थाना लेकर के गया। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। केयर फ्री बट केयर से भरपूर है फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर, एक्टिवली केयर्स फॉर योर हेयर एंड गिव्स यू सैलून लाइक स्ट्रेट स्मूथ एंड शाइनी हेयर, योर हेयर योर वे फिलिप्स। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में, हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है।
यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है, सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिश्तीपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 0657-23-20075। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। बिश्तीपुर स्थित चर्च स्कूल बिल्डिंग के तत्वाधान में 2 दिवसीय 25वां जोनल एथलेटिक्स टूर्नामेंट का हुआ समापन। बिश्तीपुर स्थित चर्च स्कूल बिल्डिंग के तत्वाधान जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में आयोजित 25वां जोनल एथलेटिक्स टूर्नामेंट में जेपीएस गम्हरिया ओवरऑल चैंपियन हुआ है। वहीं चर्च स्कूल बिल्डिंग विनर बना। सीआईसीएसई ये जोनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में हुआ गया, जिसका होस्ट टीम बनी है चर्च स्कूल बिल्डिंग। इसमें 30 स्कूल टोटल पार्टिसिपेट किए हैं जमशेदपुर से जोन। ओवरऑल चैंपियन हुआ है जेबीएस स्कूल गमरिया और रनर्स अप हुआ विनर्स में चर्च स्कूल बिल्डिंग। आज के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि हमारे किसी पीयूष साहब थे और हमारे मुकुल चौधरी साहब थे। प्रीति सिन्हा थे जो हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर है, वो थे मंच में। हमारे प्रिंसिपल, हमारे मैनेजमेंट और भी गेस्ट थे। इमरान मसूद थे जो झारखंड नंबर एसोसिएशन के थे। हमारा नाम अशफाक अहमद, स्पोर्ट्स एचओडी चर्च स्कूल बिल्डिंग। वहीं आदित्यपुर से सेव लाइफ हॉस्पिटल के तत्वाधान में मिशन दस्तक कैंसर मिटाओ अभियान के तहत 45 मरीजों को मिला लाभ। आदित्यपुर स्थित सेव लाइफ हॉस्पिटल के तत्वाधान में आयोजित मिशन दस्तक कैंसर मिटाओ अभियान के तहत इस सत्र में 45 मरीजों को लाभ मिला। इस संबंध में जानकारी देते हुए सेव लाइफ हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर ओपी आनंद ने बताया, मिशन दस्तक कैंसर मिटाओ अभियान जो चला रखा था उसके बहुत सुखद परिणाम हम लोगों को मिले हैं। इसी को और अपने लोगों के साथ जानकारी साझा करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रेस वार्ता मैंने बुलाया। अभी तक कितने लोगों को लाभ मिल चुका है? फरवरी से अभी तक हम लोग लगभग 45 मरीजों को इसका लाभ दिए हैं और वैसे देखेंगे तो हमको लगता है लगभग 100 मरीजों का लाभ इस सत्र में, जबकि 2017 से हम लोग मिशन दस्तक चला रहे हैं। इधर साक्षी स्थित साइला बिरेनू टावर प्रांगण में खुला वैन हुसैन का सबसे बड़ा शोरूम, मेंस और वुमेन्स का बेहतर कलेक्शन है उपलब्ध। साक्षी स्थित साइला बिरेनू टावर प्रांगण में वैन हुसैन का शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें मेंस और वुमेन्स का बेहतर कलेक्शन उपलब्ध है। वहीं यह शोरूम झारखंड का सबसे बड़ा शोरूम है, जहां वैन हुसैन के सारे कपड़ों का कलेक्शन है। हुसैन साक्षी स्टोर ये पूरे झारखंड का सबसे बड़ा और बेहतर शोरूम है। यहाँ ये प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड है जिसमें मेंस वुमेन्स ये सारे ब्रांड्स को हम लोग कैटर करते हैं। ये परहैप्स पहला ऐसा शोरूम है जहाँ पे वुमेन कलेक्शन में मिलता है। नॉर्मली वुमेन कलेक्शन सारे स्टोर में नहीं मिलता है, चूँकि हमारा ये इतना बड़ा शोरूम है इसमें वुमेन्स वेयर के भी कंप्लीट कैटेगरीज हम कैटर करते हैं। तो सबसे जी बिल्कुल, हमारे यहाँ से बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं। वो 4000 रुपये बाइंग से ही शुरू हो जाती है और सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑफर है। प्लीज़ आएँ और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। झारखंड का सबसे बड़ा शोरूम इन्होंने यहाँ पे साक्षी में खोला है, तो मैं सबको जमशेदपुर के लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे ज़रूर एक बार विज़िट करें और अपना जो भी चॉइस है, चॉइस के हिसाब से काफ़ी सारा वेराइटीज़ है इसमें, तो कपड़े के इसमें देख सकते हैं। साक्षी स्थित कैनलाइट होटल में सावन महोत्सव का किया गया आयोजन। साक्षी स्थित कैनलाइट होटल में आया सावन झूम के कार्यक्रम के तहत सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। और ये आउट ऑफ सावन झूम के हम लोगों ने एक नई शुरुआत की कि क्यों ना जमशेदपुर की सारी और सरायकेला खरसावा जिला के निर्वाचन साक्षरता क्लब के सभी नोडल पदाधिकारियों का प्रशिक्षण काशी साहू महाविद्यालय के सभागार में संपन्न हुआ।
इस प्रशिक्षण का औपचारिक रूप से उद्घाटन करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने मतदान तथा इसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। उपायुक्त द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यालय का निर्वाचन साक्षरता क्लब के नोडल पदाधिकारी एवं विद्यार्थियों को बताया गया कि किस प्रकार हमारा देश स्वतंत्र हुआ तथा इस स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि में अनेक महापुरुषों का बलिदान शामिल है। उन्होंने बताया कि गुलामी का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में हमारा संविधान नहीं था और हमें अधिकारों से वंचित रखा गया था, जबकि स्वतंत्रता के बाद हमारा अपना संविधान है और मतदान करने का अधिकार है। इस अधिकार के माध्यम से अपने देश के लिए हम मतदान करते हैं और देश के स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देने वाले महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता जताते हैं। हमारे मतदान निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों के बलिदान के प्रति हमारा सम्मान भी है, इसलिए 100% मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही चाहिए। मतदान के प्रति उदासीनता को दूर करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्राप्त जानकारी को अन्य लोगों के बीच साझा करने और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराते हुए मतदान के प्रति जागरूक होने का संदेश जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिया गया। माध्यम से आने वाले चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं के निबंधन तथा उसके साथ साथ जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं उनके अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, और इस क्रम में ये प्रयास है कि लोकतंत्र की जो मूलभूत अवधारणा है उसके संबंध में भी लोगों को जागरूक करें, साथ ही अपने BLOs और उनके सुपरवाइजर के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देशों का समुचित प्रचार प्रसार किया जाए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। परसुडी थाना अंतर्गत कीतड़ी में तालाब में तैरता शव मिला, पुलिस जांच में जुटी। उलीडी में आपसी विवाद में युवक ने चलाई गोली, त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। MGM अस्पताल में लापरवाही का मामला आया प्रकाश में, इलाज के अभाव में मरीज ने तोड़ा दम। और बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का SDO ने की समीक्षा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।